हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि हम बहुत जल्द अपना एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको वियॉन्ड से 2D एनिमेशन क्रिएट करना पूरी तरीके से सिखाएंगे। और 5 दिनों का ये हमारा ऑनलाइन बैच चलेगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और उन लाइव क्लासेस में आपको पूरी तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप 2D एनिमेशन वियॉन्ड के थ्रू क्रिएट करना बहुत अच्छे से सीख जाए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कि मैंने वियॉन्ड की हेल्प से कितने सारे एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट किए हैं और वो एनिमेटेड वीडियोस बहुत सारे फॉर्म्स में मैंने क्रिएट किए हैं। यानी कि मैंने मैजिकल सीन्स क्रिएट किए हैं, मैंने बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर्स क्रिएट किए हैं, मैंने डिज्नी मूवीज के क्लिप्स क्रिएट किए हैं, एक्शन मूवी के सीन्स क्रिएट किए हैं, और भी बहुत सारे एनिमेशन, बहुत अच्छा अच्छा एनिमेशन मैंने वियॉन्ड की हेल्प से क्रिएट किया है। तो ये कोर्स में मैं पूरी आपको अपनी स्ट्रेटजी, सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है वियॉन्ड पे काम करते टाइम, क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखकर बैठनी चाहिए उस टाइम जब आप एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो ये सारा अपना जो एक्सपीरियंस है और सारी जो भी गाइडलाइंस है, मैं आपके साथ अपने इस बैच में शेयर करूंगी। हमारे इस बैच के करिकुलम में दोस्तों, आपको टेक्स्ट के साथ काम करना सिखाया जाएगा, आपको कस्टम कैरेक्टर्स के साथ काम करना सिखाया जाएगा, आपको ऑडियोज़ के साथ काम करना सिखाया जाएगा। बेसिकली जो भी सारी वियॉन्ड का एडिटर है, वो सारा चीज़ें आपको बेसिक से, बिल्कुल बिगनिंग से सिखाया जाएगा। और बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें हैं वियॉन्ड में, जैसे कि वियॉन्ड में आप जानते हैं बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। अगर आपने वियॉन्ड यूज़ किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है जिन लोगों ने, तो मैं बता देती हूँ वियॉन्ड में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी हैं। वो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आपको कोई 3D सीन्स क्रिएट करना हो वियॉन्ड में, तो वो अगर आपको प्रॉपरली उसकी नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैंने वियॉन्ड पर बहुत टाइम से काम किया है, तो मुझे नॉलेज है कि मैं 3D सीन कैसे वियॉन्ड में क्रिएट कर सकती हूँ, तो आपको नहीं है, तो आपको उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो वो हम आपको अपने इस बैच में प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सोचना चाहिए आपको एक 3D सीन क्रिएट करने के लिए। अगर आप जैसे कोई मूवी का सीन भी उठाते हैं, तो अगर आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले उसको सीन को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है, देन उसके बाद ही आपको उसको रिक्रिएट कर सकते हैं वियॉन्ड में। तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपरली गाइड की जाएंगी हमारे इस ऑनलाइन बैच में। साथ ही दोस्तों, हम अपने इस ऑनलाइन बैच में डेली बेसिस पर आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किया करेंगे, ताकि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, और हमारे साथ जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और आपको कोई भी डाउट्स आएंगे, कोई भी क्वेरीज आएंगी वो प्रैक्टिस करते टाइम, तो वो आप हमको नेक्स्ट डे लाइव हमसे इंटरेक्ट करके उन डाउट्स को, उन प्रॉब्लम्स को, जो भी सवाल जवाब आपके दिमाग में आएंगे उस प्रैक्टिस के टाइम पे, एनिमेशन क्रिएट करते टाइम पर, तो वो आप हमसे लाइव इंटरेक्ट करके अपने आंसर ले पाएंगे क्वेश्चंस का, और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, आप इसको ज़रूर एनरोल करेंगे, और ये एनरोलमेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा दोस्तों, वो तो आपको ये बैच ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप इसको मिस कर देते हैं, तो सोचिए आप पता नहीं क्या ही मिस कर रहे हैं एनिमेशन की फील्ड में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जा करके हमारा ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं।